एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर पिशावर में मीडिया से बात कर रही हैं। मिलता है ताकि वो अपने छोटे कारोबार चला सकें। एहसास आमदन का प्रोग्राम है, मुल्क के 23 अजला में गरीब तरीन अजला में है जी ताकि वो और उस एहसास जो एहसास बात कर रही थी मैं आमदन प्रोग्राम की, उसमें उनको छोटा लोगों को कारोबार के लिए सामान मिलता है, दुकान के लिए सामान मिलता है, उनको गाय भैंस मिलती है, चिंची रिक्शे की बॉडी मिलती है। 23 अजला में है, सबसे पसमानदा अजला में है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। बिला सूद कर्ज़े का जो प्रोग्राम 100 अजला में है, 80,000 जिसको मैंने अभी ज़िक्र किया, उसको 100 अजला से बढ़ा के 150 में किया जा रहा है। इसके अलावा एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, जो बहुत गरीब तलबा हैं जिनके जो माँ बाप उनको भेज नहीं सकते 10वीं जमात के बाद कॉलेज में, उनके लिए हर माह हर साल 50,000 स्कॉलरशिप मुख्तस हैं। पिछले साल की स्कॉलरशिप्स हमने दी हैं, इस साल की फिर एप्लीकेशन का पोर्टल खुला हुआ है। और क्योंकि आप सब मीडिया के कुलीग सामने हैं तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि बार बार टिकर चलाएं कि ehsas.hec.gov.pk पे पोर्टल खुला है, जिसने मैट्रिक किया है वो उस पर अप्लाई करे। हुकूमत 50,000 स्कॉलरशिप दे रही है, फुल ट्यूशन फ़ी दे रही है, साथ में रहने के लिए अलाउंस भी दे रही है। इसके अलावा एहसास तहफ़ुज़ है, इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में एक और प्रोग्राम आ रहा है एहसास का, जिसके ज़रिए आप हमें SMS करके और अगर किसी को बीमारी हो ऐसी जो इंसाफ कार्ड्स उसके पास ना हो तो हुकूमत से SMS करके वो इमदाद ले सकते हैं। मावन खसूसी समाजी तहफ़ सानिया निश्तर पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।